दोस्तों हिंदू धर्म में चार युगों की मान्यता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का आरंभ होता है और अंत होता है, यही सृष्टि का नियम है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि इस तरह से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का अंत हुआ, लेकिन इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग का अंत कैसे होगा इस बारे में भी हमारे धर्म शास्त्रों में जानकारी मिलती है। जैसे जैसे आगे युग चलते जाते हैं वैसे वैसे इनमें पाप बढ़ता जाता है और सभी पापों को मिटाने के लिए देवता धरती पर अवतार लेते रहते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने हर युग में अधर्म को मिटाने और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिए हैं। जिन्होंने नरसिंह अवतार लेके भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वहीं दुराचारी हिरण्यकश्यप का वध करके जगत का कल्याण किया। उन्होंने जहां राजा बलि से देवताओं की रक्षा की, वहीं वराह अवतार लेकर राक्षस का वध किया। उन्होंने राम बनकर जहाँ अत्याचारी रावण का संहार किया, वहीं उन्होंने कृष्ण बनकर कंस का वध करके धरती की रक्षा की। विज्ञान कहता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति 60 करोड़ वर्ष पहले हुई थी और महाद्वीपों का सरकना 20 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था, जिसमें 5 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। स्तनधारी जीवों का विकास 14 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों आधुनिक मानव 2 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, इसके बाद पिछले 50,000 सालों में मानव समस्त विश्व में जाकर बस गया। विज्ञान कहता है कि मानव ने जो भी प्रगति की है वह 200 से 400 पीढ़ियों के दौरान में हुई है। इससे पूर्व मानव पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्षों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देह का त्याग कर दिया था, तभी से कलयुग का आरंभ होता है। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के देह छोड़ने के 3102 ईसा पूर्व के बाद कलयुग आरंभ हुआ था। दोस्तों हमारे पुराणों में कलयुग के बारे में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पाप अपने चरम तक बढ़ता जाएगा। दोस्तों कलयुग के अंत को लेकर कई भविष्यवाणियां की जा चुकी है। कलयुग में कई ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनमें भविष्य बताने की अद्भुत क्षमता है। इन्हीं में से एक थे अच्युतानंद दास। ये एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने एक ऐसी रहस्यमय किताब लिखी जिसका नाम था भविष्य मालिका। इस पुस्तक में अच्युतानंद दास जी ने वो सारी घटनाओं का वर्णन किया है जो तब घटित होंगी जब कलयुग का अंत बहुत ज्यादा निकट होगा। उन्होंने भविष्य मालिका में तीर्थ स्थानों का भी वर्णन किया है जिसमें समय आने पर कलयुग के अंत के संकेत मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उन तीर्थ स्थानों के बारे में बताऊंगा जिनका वर्णन भविष्य मालिका में किया गया है और उनमें से कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स, जहां हम आपको ऐसे रहस्यमय फैक्ट्स से परिचित कराते हैं जिन्हें दुनिया भर में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जगन्नाथ धाम। दोस्तों हिंदू धर्म दुनिया का सभी धर्मों में से सबसे रहस्यमय और प्राचीन है। हिंदू धर्म से ही सभी धर्मों की जन्म हुआ है। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें धरती, जल, वायु, अग्नि, वृक्ष, सूर्य, पहाड़, हर एक प्राकृतिक चीज की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई थी जिसमें इंद्र देवता का घमंड तोड़ा था। दोस्तों ऐसे ही हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से पुराने मंदिर हैं जो बहुत प्राचीन हैं और ये मंदिर इतने रहस्यमय हैं कि इनका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, वहाँ विज्ञान के नियम काम नहीं करते। दोस्तों मैंने इससे पहले आपको कई रहस्यमय मंदिर के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं जिस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसे धरती का दूसरा बैकुंड भी कहते हैं। दोस्तों वो मंदिर है जगन्नाथपुरी मंदिर। ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए विदेशों से अंग्रेज भी आते हैं, लेकिन उन्हें इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस मंदिर में वो ही जा सकता है जो हिंदू है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी जो एक समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उन्हें भी जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाने दिया था क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की थी। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान है। भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है वो लकड़ी की है और ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दिल है। दोस्तों ये मंदिर समुद्र के किनारे हैं और आप तो जानते ही हैं कि समुद्र के किनारे पानी का बहुत ज्यादा शोर होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात ये है कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर कदम रखते ही सारी की सारा शोर, सारी की सारी अजीब गंध कहाँ गायब हो जाती है ये कोई भी नहीं जानता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में, झंडे में, वातावरण में कई दैविक रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में अपार खजाना छुपा हुआ है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों हिंदू धर्म में चार धाम के जिक्र हैं जो चारों दिशाओं में बसे हैं
उत्तर दिशा में है बद्रीनाथ धाम, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशा में है द्वारिका और पूर्व दिशा में है जगन्नाथपुरी। ऐसी मान्यता है कि इन चारों धाम में भगवान का साक्षात वास है और इसके दर्शन से जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और मुक्ति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने आप में कई दैविक शक्तियां छुपाए हुए हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को महसूस करता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद आज तक इन रहस्यों से पर्दाफाश नहीं हो पाया है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी भी है। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है ये, जिसमें भगवान के साथ उनके भाई बहन को पूजा जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जितने साक्षात हैं उतने ही रहस्यमय भी है। चारों धामों में से जगन्नाथपुरी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जीवित अवस्था में मौजूद है और हर 12 साल बाद नौ क्लीवर के उत्सव पर नीम की लकड़ी से बना इसका आवरण बदला जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस आवरण के अंदर भगवान किस आवरण में रहते हैं यह अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, इस मंदिर की वार्षिक आय करीब 50 करोड़ है और मंदिर की संपत्ति कुल 250 करोड़ बताई जाती है, लेकिन जितना दिखता है ये उससे भी बहुत ज्यादा है। मंदिर में छिपा खजाना इससे भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ऐसी धारणा है कि मंदिर जितनी ऊंचाई पर है उतना ही गहरा है। मंदिर का खजाना जिसमें रुपया नहीं बल्कि रतन जवरात है। आपको बता दें कि ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश पर रतन भंडार में 4 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्य की टीम ने 34 सालों बाद यहां जांच के लिए आई थी। इस घटना में 2 महीने बाद चाबी के गायब होने की बात सामने आई। 4 अप्रैल को खजाना देखकर लौटी टीम ने रतन भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वो इस रतन भंडार से जुड़ी बातें किसी को भी नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती की जांच करना है। इस दौरान उन्हें खजाने की संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के खजाने को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जाती हैं क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथ मंदिर के नजदीक एक मठ में एक मजदूर एक चांदी की ईंट चुराकर ले गया था और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधी आ गई। जांच में जब मठ के कमरे को खोला गया तो उसमें 100 करोड़ से भी अधिक कीमत की चांदी की ईंटें मिले। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जगन्नाथ मंदिर की चाबी का गुम होना कौन से नए रहस्य को सामने लाता है। दोस्तों, आमतौर पर दिन में हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी यहाँ की प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा का होता है झंडा ठीक उसके विपरीत दिशा में लहराता है। दोस्तों, विज्ञान के इस नियम को तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जहाँ से रोशनी आएगी और उसके सामने आने वाली वस्तु की छाया बनेगी, छोटी या बड़ी लेकिन बनेगी जरूर। इस सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विज्ञान का ये नियम भी काम नहीं करता, क्योंकि दिन में किसी भी समय मंदिर की परछाई नहीं बनती या कहीं हमें दिखाई नहीं देती। दोस्तों, कहा जाता है कि जगन्नाथ में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य यह है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के बने होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसके दौरान सबसे ऊपर रखे गए बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे की तरफ रखे सारे बर्तन धीरे धीरे पकते चले जाते हैं। दोस्तों, चाहे यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आ जाए लेकिन मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपने आमतौर पर बड़ी बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर ना ही कभी कोई पक्षी बैठता है और ना ही इसके ऊपर से कभी कोई प्लेन गुजरता है, और भारत में किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा जाता। ये भी एक आज तक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपकी जगन्नाथ मंदिर के प्रति क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों हिंदू धर्म में चार युगों की मान्यता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का आरंभ होता है और अंत होता है, यही सृष्टि का नियम है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि इस तरह से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का अंत हुआ, लेकिन इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग का अंत कैसे होगा इस बारे में भी हमारे धर्म शास्त्रों में जानकारी मिलती है। जैसे जैसे आगे युग चलते जाते हैं वैसे वैसे इनमें पाप बढ़ता जाता है और सभी पापों को मिटाने के लिए देवता धरती पर अवतार लेते रहते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने हर युग में अधर्म को मिटाने और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार ली हैं। जिन्होंने नरसिंह अवतार लेके भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वहीं दुराचारी हिरण्यकश्यप का वध करके जगत का कल्याण किया। उन्होंने जहां राजा बलि से देवताओं की रक्षा की, वहीं वराह अवतार लेकर राक्षस का वध किया। उन्होंने राम बनकर जहाँ अत्याचारी रावण का संहार किया, वहीं उन्होंने कृष्ण बनकर कंस का वध करके धरती की रक्षा की। विज्ञान कहता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति 60 करोड़ वर्ष पहले हुई थी और महाद्वीपों का सरकना 20 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था, जिसमें 5 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। स्तनधारी जीवों का विकास 14 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों आधुनिक मानव 2 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, इसके बाद पिछले 50,000 सालों में मानव समस्त विश्व में जाकर बस गया। विज्ञान कहता है कि मानव ने जो भी प्रगति की है वह 200 से 400 पीढ़ियों के दौरान में हुई है। इससे पूर्व मानव पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्षों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देह का त्याग कर दिया था, तभी से कलयुग का आरंभ होता है। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के देह छोड़ने के 3102 ईसा पूर्व के बाद कलयुग आरंभ हुआ था। दोस्तों हमारे पुराणों में कलयुग के बारे में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पाप अपने चरम तक बढ़ता जाएगा। दोस्तों कलयुग के अंत को लेकर कई भविष्यवाणियां की जा चुकी है। कलयुग में कई ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनमें भविष्य बताने की अद्भुत क्षमता है। इन्हीं में से एक थे अच्युतानंद दास। ये एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने एक ऐसी रहस्यमय किताब लिखी जिसका नाम था भविष्य मालिका। इस पुस्तक में अच्युतानंद दास जी ने वो सारी घटनाओं का वर्णन किया है जो तब घटित होंगी जब कलयुग का अंत बहुत ज्यादा निकट होगा। उन्होंने भविष्य मालिका में तीर्थ स्थानों का भी वर्णन किया है जिसमें समय आने पर कलयुग के अंत के संकेत मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उन तीर्थ स्थानों के बारे में बताऊंगा जिनका वर्णन भविष्य मालिका में किया गया है और उनमें से कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स, जहां हम आपको ऐसे रहस्यमय फैक्ट्स से परिचित कराते हैं जिन्हें दुनिया भर में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जगन्नाथ धाम। दोस्तों हिंदू धर्म दुनिया का सभी धर्मों से सबसे रहस्यमय और प्राचीन है। हिंदू धर्म से ही सभी धर्मों की जन्म हुआ है। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें धरती, जल, वायु, अग्नि, वृक्ष, सूर्य, पहाड़, हर एक प्राकृतिक चीज की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई थी जिसमें इंद्र देवता का घमंड तोड़ा था। दोस्तों ऐसे ही हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से पुराने मंदिर हैं जो बहुत प्राचीन हैं और ये मंदिर इतने रहस्यमय हैं कि इनका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। वहाँ विज्ञान के नियम काम नहीं करते। दोस्तों मैंने इससे पहले आपको कई रहस्यमय मंदिर के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं जिस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसे धरती का दूसरा बैकुंठ भी कहते हैं। दोस्तों वो मंदिर है जगन्नाथ पुरी मंदिर। ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए विदेशों से अंग्रेज भी आते हैं, लेकिन उन्हें इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस मंदिर में वो ही जा सकता है जो हिंदू है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी जो एक समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उन्हें भी जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाने दिया था क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की थी। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान है। भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है वो लकड़ी की है और ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दिल है। दोस्तों ये मंदिर समुद्र के किनारे हैं और आप तो जानते ही हैं कि समुद्र के किनारे पानी का बहुत ज्यादा शोर होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात ये है कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर कदम रखते ही सारी की सारा शोर, सारी की सारी अजीब गंध कहाँ गायब हो जाती है ये कोई भी नहीं जानता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में, झंडे में, वातावरण में कई दैविक रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में अपार खजाना छुपा हुआ है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों हिंदू धर्म में चार धाम के जिक्र हैं जो चारों दिशाओं में बसे हैं
उत्तर दिशा में है बद्रीनाथ धाम, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशा में है द्वारिका और पूर्व दिशा में है जगन्नाथपुरी। ऐसी मान्यता है कि इन चारों धाम में भगवान का साक्षात वास है और इसके दर्शन से जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और मुक्ति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने आप में कई दैविक शक्तियां छुपाए हुए हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को महसूस करता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद आज तक इन रहस्यों से पर्दाफाश नहीं हो पाया है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी भी है। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है ये, जिसमें भगवान के साथ उनके भाई बहन को पूजा जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जितने साक्षात हैं उतने ही रहस्यमय भी है। चारों धामों में से जगन्नाथपुरी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जीवित अवस्था में मौजूद है और हर 12 साल बाद नोक लीवर के उत्सव पर नीम की लकड़ी से बना इसका आवरण बदला जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस आवरण के अंदर भगवान किस आवरण में रहते हैं यह अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, इस मंदिर की वार्षिक आय करीब 50 करोड़ है और मंदिर की संपत्ति कुल 250 करोड़ बताई जाती है, लेकिन जितना दिखता है ये उससे भी बहुत ज्यादा है। मंदिर में छिपा खजाना इससे भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ऐसी धारणा है कि मंदिर जितनी ऊंचाई पर है उतना ही गहरा है। मंदिर का खजाना जिसमें रुपया नहीं बल्कि रतन जवरात है। आपको बता दें कि ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश पर रतन भंडार में 4 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्य की टीम ने 34 सालों बाद यहां जांच के लिए आई थी। इस घटना में 2 महीने बाद चाबी के गायब होने की बात सामने आई। 4 अप्रैल को खजाना देखकर लौटी टीम ने रतन भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वो इस रतन भंडार से जुड़ी बातें किसी को भी नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती की जांच करना है। इस दौरान उन्हें खजाने की संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के खजाने को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जाती हैं क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथ मंदिर के नजदीक एक मठ में एक मजदूर एक चांदी की ईंट चुराकर ले गया था और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधी आ गई। जांच में जब मठ के कमरे को खोला गया तो उसमें 100 करोड़ से भी अधिक कीमत की चांदी की ईंटें मिली। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जगन्नाथ मंदिर की चाबी का गुम होना कौन से नए रहस्य को सामने लाता है। दोस्तों, आमतौर पर दिन में हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी यहाँ की प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा का होता है झंडा ठीक उसके विपरीत दिशा में लहराता है। दोस्तों, विज्ञान के इस नियम को तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जहाँ से रोशनी आएगी और उसके सामने आने वाली वस्तु की छाया बनेगी, छोटी या बड़ी लेकिन बनेगी जरूर। इस सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विज्ञान का ये नियम भी काम नहीं करता क्योंकि दिन में किसी भी समय मंदिर की परछाई नहीं बनती या कहीं हमें दिखाई नहीं देती। दोस्तों, कहा जाता है कि जगन्नाथ में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य यह है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के बने होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसके दौरान सबसे ऊपर रखे गए बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे की तरफ रखे सारे बर्तन धीरे धीरे पकते चले जाते हैं। दोस्तों, चाहे यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आ जाए लेकिन मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपने आमतौर पर बड़ी बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर ना ही कभी कोई पक्षी बैठता है और ना ही इसके ऊपर से कभी कोई प्लेन गुजरता है और भारत में किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा जाता। ये भी एक आज तक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपकी जगन्नाथ मंदिर के प्रति क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों हिंदू धर्म में चार युगों की मान्यता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का आरंभ होता है और अंत होता है, यही सृष्टि का नियम है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि इस तरह से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का अंत हुआ, लेकिन इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग का अंत कैसे होगा इस बारे में भी हमारे धर्म शास्त्रों में जानकारी मिलती है। जैसे जैसे आगे युग चलते जाते हैं वैसे वैसे इनमें पाप बढ़ता जाता है और सभी पापों को मिटाने के लिए देवता धरती पर अवतार लेते रहते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने हर युग में अधर्म को मिटाने और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार ली हैं। जिन्होंने नरसिंह अवतार लेके भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वहीं दुराचारी हिरण्यकश्यप का वध करके जगत का कल्याण किया। उन्होंने जहां राजा बलि से देवताओं की रक्षा की, वहीं वराह अवतार लेकर राक्षस का वध किया। उन्होंने राम बनकर जहाँ अत्याचारी रावण का संहार किया, वहीं उन्होंने कृष्ण बनकर कंस का वध करके धरती की रक्षा की। विज्ञान कहता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति 60 करोड़ वर्ष पहले हुई थी और महाद्वीपों का सरकना 20 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था, जिसमें 5 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। स्तनधारी जीवों का विकास 14 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों आधुनिक मानव 2 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, इसके बाद पिछले 50,000 सालों में मानव समस्त विश्व में जाकर बस गया। विज्ञान कहता है कि मानव ने जो भी प्रगति की है वह 200 से 400 पीढ़ियों के दौरान में हुई है। इससे पूर्व मानव पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्षों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देह का त्याग कर दिया था, तभी से कलयुग का आरंभ होता है। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के देह छोड़ने के 3102 ईसा पूर्व के बाद कलयुग आरंभ हुआ था। दोस्तों हमारे पुराणों में कलयुग के बारे में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पाप अपने चरम तक बढ़ता जाएगा। दोस्तों कलयुग के अंत को लेकर कई भविष्यवाणियां की जा चुकी है। कलयुग में कई ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनमें भविष्य बताने की अद्भुत क्षमता है। इन्हीं में से एक थे अच्युतानंद दास। ये एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने एक ऐसी रहस्यमय किताब लिखी जिसका नाम था भविष्य मालिका। इस पुस्तक में अच्युतानंद दास जी ने वो सारी घटनाओं का वर्णन किया है जो तब घटित होंगी जब कलयुग का अंत बहुत ज्यादा निकट होगा। उन्होंने भविष्य मालिका में तीर्थ स्थानों का भी वर्णन किया है जिसमें समय आने पर कलयुग के अंत के संकेत मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उन तीर्थ स्थानों के बारे में बताऊंगा जिनका वर्णन भविष्य मालिका में किया गया है और उनमें से कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स, जहां हम आपको ऐसे रहस्यमय फैक्ट से परिचित कराते हैं जिन्हें दुनिया भर में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जगन्नाथ धाम। दोस्तों हिंदू धर्म दुनिया का सभी धर्मों से सबसे रहस्यमय और प्राचीन है। हिंदू धर्म से ही सभी धर्मों की जन्म हुआ है। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें धरती, जल, वायु, अग्नि, वृक्ष, सूर्य, पहाड़, हर एक प्राकृतिक चीज की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई थी जिसमें इंद्र देवता का घमंड तोड़ा था। दोस्तों ऐसे ही हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से पुराने मंदिर हैं जो बहुत प्राचीन हैं और ये मंदिर इतने रहस्यमय हैं कि इनका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। वहाँ विज्ञान के नियम काम नहीं करते। दोस्तों मैंने इससे पहले आपको कई रहस्यमय मंदिर के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं जिस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसे धरती का दूसरा बैकुंठ भी कहते हैं। दोस्तों वो मंदिर है जगन्नाथ पुरी मंदिर। ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए विदेशों से अंग्रेज भी आते हैं, लेकिन उन्हें इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस मंदिर में वो ही जा सकता है जो हिंदू है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी जो एक समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उन्हें भी जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाने दिया था क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की थी। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान है। भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है वो लकड़ी की है और ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दिल है। दोस्तों ये मंदिर समुद्र के किनारे हैं और आप तो जानते ही हैं कि समुद्र के किनारे पानी का बहुत ज्यादा शोर होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात ये है कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर कदम रखते ही सारी की सारा शोर, सारी की सारी अजीब गंध कहाँ गायब हो जाती है ये कोई भी नहीं जानता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में, झंडे में, वातावरण में कई दैविक रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में अपार खजाना छुपा हुआ है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों हिंदू धर्म में चार धाम के जिक्र हैं जो चारों दिशाओं में बसे हैं
उत्तर दिशा में है बद्रीनाथ धाम, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशा में है द्वारिका और पूर्व दिशा में है जगन्नाथपुरी। ऐसी मान्यता है कि इन चारों धाम में भगवान का साक्षात वास है और इसके दर्शन से जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और मुक्ति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने आप में कई दैविक शक्तियां छुपाए हुए हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को महसूस करता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद आज तक इन रहस्यों से पर्दाफाश नहीं हो पाया है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी भी है। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है ये, जिसमें भगवान के साथ उनके भाई बहन को पूजा जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जितने साक्षात हैं उतने ही रहस्यमय भी है। चारों धामों में से जगन्नाथपुरी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जीवित अवस्था में मौजूद है और हर 12 साल बाद नोक लीवर के उत्सव पर नीम की लकड़ी से बना इसका आवरण बदला जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस आवरण के अंदर भगवान किस आवरण में रहते हैं यह अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, इस मंदिर की वार्षिक आय करीब 50 करोड़ है और मंदिर की संपत्ति कुल 250 करोड़ बताई जाती है, लेकिन जितना दिखता है ये उससे भी बहुत ज्यादा है। मंदिर में छिपा खजाना इससे भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ऐसी धारणा है कि मंदिर जितनी ऊंचाई पर है उतना ही गहरा है। मंदिर का खजाना जिसमें रुपया नहीं बल्कि रतन जवरात है। आपको बता दें कि ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश पर रतन भंडार में 4 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्य की टीम ने 34 सालों बाद यहां जांच के लिए आई थी। इस घटना में 2 महीने बाद चाबी के गायब होने की बात सामने आई। 4 अप्रैल को खजाना देखकर लौटी टीम ने रतन भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वो इस रतन भंडार से जुड़ी बातें किसी को भी नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती की जांच करना है। इस दौरान उन्हें खजाने की संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के खजाने को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जाती हैं क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथ मंदिर के नजदीक एक मठ में एक मजदूर एक चांदी की ईंट चुराकर ले गया था और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधी आ गई। जांच में जब मठ के कमरे को खोला गया तो उसमें 100 करोड़ से भी अधिक कीमत की चांदी की ईंटें मिली। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जगन्नाथ मंदिर की चाबी का गुम होना कौन से नए रहस्य को सामने लाता है। दोस्तों, आमतौर पर दिन में हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी यहाँ की प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा का होता है झंडा ठीक उसके विपरीत दिशा में लहराता है। दोस्तों, विज्ञान के इस नियम को तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जहाँ से रोशनी आएगी और उसके सामने आने वाली वस्तु की छाया बनेगी, छोटी या बड़ी लेकिन बनेगी जरूर। इस सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विज्ञान का ये नियम भी काम नहीं करता, क्योंकि दिन में किसी भी समय मंदिर की परछाई नहीं बनती या कहीं हमें दिखाई नहीं देती। दोस्तों, कहा जाता है कि जगन्नाथ में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य यह है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के बने होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसके दौरान सबसे ऊपर रखे गए बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे की तरफ रखे सारे बर्तन धीरे धीरे पकते चले जाते हैं। दोस्तों, चाहे यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आ जाए लेकिन मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपने आमतौर पर बड़ी बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर ना ही कभी कोई पक्षी बैठता है और ना ही इसके ऊपर से कभी कोई प्लेन गुजरता है, और भारत में किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा जाता। ये भी एक आज तक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपकी जगन्नाथ मंदिर के प्रति क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों हिंदू धर्म में चार युगों की मान्यता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का आरंभ होता है और अंत होता है, यही सृष्टि का नियम है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि इस तरह से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का अंत हुआ, लेकिन इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग का अंत कैसे होगा इस बारे में भी हमारे धर्म शास्त्रों में जानकारी मिलती है। जैसे जैसे आगे युग चलते जाते हैं वैसे वैसे इनमें पाप बढ़ता जाता है और सभी पापों को मिटाने के लिए देवता धरती पर अवतार लेते रहते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने हर युग में अधर्म को मिटाने और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार ली हैं। जिन्होंने नरसिंह अवतार लेके भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वहीं दुराचारी हिरण्यकश्यप का वध करके जगत का कल्याण किया। उन्होंने जहां राजा बलि से देवताओं की रक्षा की, वहीं वराह अवतार लेकर राक्षस का वध किया। उन्होंने राम बनकर जहाँ अत्याचारी रावण का संहार किया, वहीं उन्होंने कृष्ण बनकर कंस का वध करके धरती की रक्षा की। विज्ञान कहता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति 60 करोड़ वर्ष पहले हुई थी और महाद्वीपों का सरकना 20 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था, जिसमें 5 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। स्तनधारी जीवों का विकास 14 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों आधुनिक मानव 2 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। इसके बाद पिछले 50,000 सालों में मानव समस्त विश्व में जाकर बस गया। विज्ञान कहता है कि मानव ने जो भी प्रगति की है वह 200 से 400 पीढ़ियों के दौरान में हुई है। इससे पूर्व मानव पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्षों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देह का त्याग कर दिया था, तभी से कलयुग का आरंभ होता है। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के देह छोड़ने के 3102 ईसा पूर्व के बाद कलयुग आरंभ हुआ था। दोस्तों हमारे पुराणों में कलयुग के बारे में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पाप अपने चरम तक बढ़ता जाएगा। दोस्तों कलयुग के अंत को लेकर कई भविष्यवाणियां की जा चुकी है। कलयुग में कई ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनमें भविष्य बताने की अद्भुत क्षमता है। इन्हीं में से एक थे अच्युतानंद दास। ये एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने एक ऐसी रहस्यमय किताब लिखी जिसका नाम था भविष्य मालिका। इस पुस्तक में अच्युतानंद दास जी ने वो सारी घटनाओं का वर्णन किया है जो तब घटित होंगी जब कलयुग का अंत बहुत ज्यादा निकट होगा। उन्होंने भविष्य मालिका में तीर्थ स्थानों का भी वर्णन किया है जिसमें समय आने पर कलयुग के अंत के संकेत मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उन तीर्थ स्थानों के बारे में बताऊंगा जिनका वर्णन भविष्य मालिका में किया गया है और उनमें से कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स, जहां हम आपको ऐसे रहस्यमय फैक्ट्स से परिचित कराते हैं जिन्हें दुनिया भर में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जगन्नाथ धाम। दोस्तों हिंदू धर्म दुनिया का सभी धर्मों से सबसे रहस्यमय और प्राचीन है। हिंदू धर्म से ही सभी धर्मों की जन्म हुआ है। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें धरती, जल, वायु, अग्नि, वृक्ष, सूर्य, पहाड़, हर एक प्राकृतिक चीज की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई थी जिसमें इंद्र देवता का घमंड तोड़ा था। दोस्तों ऐसे ही हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से पुराने मंदिर हैं जो बहुत प्राचीन हैं और ये मंदिर इतने रहस्यमय हैं कि इनका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। वहाँ विज्ञान के नियम काम नहीं करते। दोस्तों मैंने इससे पहले आपको कई रहस्यमय मंदिर के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं जिस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसे धरती का दूसरा बैकुंठ भी कहते हैं। दोस्तों वो मंदिर है जगन्नाथ पुरी मंदिर। ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए विदेशों से अंग्रेज भी आते हैं, लेकिन उन्हें इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस मंदिर में वो ही जा सकता है जो हिंदू है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी जो एक समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उन्हें भी जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाने दिया था क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की थी। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान है। भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है वो लकड़ी की है और ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दिल है। दोस्तों ये मंदिर समुद्र के किनारे हैं और आप तो जानते ही हैं कि समुद्र के किनारे पानी का बहुत ज्यादा शोर होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात ये है कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर कदम रखते ही सारी की सारा शोर, सारी की सारी अजीब गंध कहाँ गायब हो जाती है ये कोई भी नहीं जानता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में, झंडे में, वातावरण में कई दैविक रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में अपार खजाना छुपा हुआ है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों हिंदू धर्म में चार धाम के जिक्र हैं जो चारों दिशाओं में बसे हैं
उत्तर दिशा में है बद्रीनाथ धाम, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशा में है द्वारिका और पूर्व दिशा में है जगन्नाथपुरी। ऐसी मान्यता है कि इन चारों धाम में भगवान का साक्षात वास है और इसके दर्शन से जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और मुक्ति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने आप में कई दैविक शक्तियां छुपाए हुए हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को महसूस करता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद आज तक इन रहस्यों से पर्दाफाश नहीं हो पाया है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी भी है। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है ये, जिसमें भगवान के साथ उनके भाई बहन को पूजा जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जितने साक्षात हैं उतने ही रहस्यमय भी है। चारों धामों में से जगन्नाथपुरी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जीवित अवस्था में मौजूद है और हर 12 साल बाद नौ क्लीवर के उत्सव पर नीम की लकड़ी से बना इसका आवरण बदला जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस आवरण के अंदर भगवान किस आवरण में रहते हैं यह अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, इस मंदिर की वार्षिक आय करीब 50 करोड़ है और मंदिर की संपत्ति कुल 250 करोड़ बताई जाती है, लेकिन जितना दिखता है ये उससे भी बहुत ज्यादा है। मंदिर में छिपा खजाना इससे भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ऐसी धारणा है कि मंदिर जितनी ऊंचाई पर है उतना ही गहरा है। मंदिर का खजाना जिसमें रुपया नहीं बल्कि रतन जवरात है। आपको बता दें कि ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश पर रतन भंडार में 4 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्य की टीम ने 34 सालों बाद यहां जांच के लिए आई थी। इस घटना में 2 महीने बाद चाबी के गायब होने की बात सामने आई। 4 अप्रैल को खजाना देखकर लौटी टीम ने रतन भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वो इस रतन भंडार से जुड़ी बातें किसी को भी नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती की जांच करना है। इस दौरान उन्हें खजाने की संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के खजाने को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जाती हैं क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथ मंदिर के नजदीक एक मठ में एक मजदूर एक चांदी की ईंट चुराकर ले गया था और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधी आ गई। जांच में जब मठ के कमरे को खोला गया तो उसमें 100 करोड़ से भी अधिक कीमत की चांदी की ईंटें मिले। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जगन्नाथ मंदिर की चाबी का गुम होना कौन से नए रहस्य को सामने लाता है। दोस्तों, आमतौर पर दिन में हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी यहाँ की प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा का होता है झंडा ठीक उसके विपरीत दिशा में लहराता है। दोस्तों, विज्ञान के इस नियम को तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जहाँ से रोशनी आएगी और उसके सामने आने वाली वस्तु की छाया बनेगी, छोटी या बड़ी लेकिन बनेगी जरूर। इस सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विज्ञान का ये नियम भी काम नहीं करता, क्योंकि दिन में किसी भी समय मंदिर की परछाई नहीं बनती या कहीं हमें दिखाई नहीं देती। दोस्तों, कहा जाता है कि जगन्नाथ में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य यह है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के बने होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसके दौरान सबसे ऊपर रखे गए बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे की तरफ रखे सारे बर्तन धीरे धीरे पकते चले जाते हैं। दोस्तों, चाहे यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आ जाए लेकिन मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपने आमतौर पर बड़ी बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर ना ही कभी कोई पक्षी बैठता है और ना ही इसके ऊपर से कभी कोई प्लेन गुजरता है, और भारत में किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा जाता। ये भी एक आज तक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपकी जगन्नाथ मंदिर के प्रति क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों हिंदू धर्म में चार युगों की मान्यता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का आरंभ होता है और अंत होता है, यही सृष्टि का नियम है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि इस तरह से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का अंत हुआ, लेकिन इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग का अंत कैसे होगा इस बारे में भी हमारे धर्म शास्त्रों में जानकारी मिलती है। जैसे जैसे आगे युग चलते जाते हैं वैसे वैसे इनमें पाप बढ़ता जाता है और सभी पापों को मिटाने के लिए देवता धरती पर अवतार लेते रहते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने हर युग में अधर्म को मिटाने और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिए हैं। जिन्होंने नरसिंह अवतार लेके भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वहीं दुराचारी हिरण्यकश्यप का वध करके जगत का कल्याण किया। उन्होंने जहां राजा बलि से देवताओं की रक्षा की, वहीं वराह अवतार लेकर राक्षस का वध किया। उन्होंने राम बनकर जहां अत्याचारी रावण का संहार किया, वहीं उन्होंने कृष्ण बनकर कंस का वध करके धरती की रक्षा की। विज्ञान कहता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति 60 करोड़ वर्ष पहले हुई थी और महाद्वीपों का सरकना 20 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था, जिसमें 5 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। स्तनधारी जीवों का विकास 14 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों आधुनिक मानव 2 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, इसके बाद पिछले 50,000 सालों में मानव समस्त विश्व में जाकर बस गया। विज्ञान कहता है कि मानव ने जो भी प्रगति की है वह 200 से 400 पीढ़ियों के दौरान में हुई है। इससे पूर्व मानव पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्षों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देह का त्याग कर दिया था, तभी से कलयुग का आरंभ होता है। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के देह छोड़ने के 3102 ईसा पूर्व के बाद कलयुग आरंभ हुआ था। दोस्तों हमारे पुराणों में कलयुग के बारे में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पाप अपने चरम तक बढ़ता जाएगा। दोस्तों कलयुग के अंत को लेकर कई भविष्यवाणियां की जा चुकी है। कलयुग में कई ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनमें भविष्य बताने की अद्भुत क्षमता है। इन्हीं में से एक थे अच्युतानंद दास। ये एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने एक ऐसी रहस्यमय किताब लिखी जिसका नाम था भविष्य मालिका। इस पुस्तक में अच्युतानंद दास जी ने वो सारी घटनाओं का वर्णन किया है जो तब घटित होंगी जब कलयुग का अंत बहुत ज्यादा निकट होगा। उन्होंने भविष्य मालिका में तीर्थ स्थानों का भी वर्णन किया है जिसमें समय आने पर कलयुग के अंत के संकेत मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उन तीर्थ स्थानों के बारे में बताऊंगा जिनका वर्णन भविष्य मालिका में किया गया है और उनमें से कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स, जहां हम आपको ऐसे रहस्यमय फैक्ट्स से परिचित कराते हैं जिन्हें दुनिया भर में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जगन्नाथ धाम। दोस्तों हिंदू धर्म दुनिया का सभी धर्मों से सबसे रहस्यमय और प्राचीन है। हिंदू धर्म से ही सभी धर्मों की जन्म हुआ है। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें धरती, जल, वायु, अग्नि, वृक्ष, सूर्य, पहाड़, हर एक प्राकृतिक चीज की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई थी जिसमें इंद्र देवता का घमंड तोड़ा था। दोस्तों ऐसे ही हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से पुराने मंदिर हैं जो बहुत प्राचीन हैं और ये मंदिर इतने रहस्यमय हैं कि इनका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। वहाँ विज्ञान के नियम काम नहीं करते। दोस्तों मैंने इससे पहले आपको कई रहस्यमय मंदिर के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं जिस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसे धरती का दूसरा बैकुंठ भी कहते हैं। दोस्तों वो मंदिर है जगन्नाथ पुरी मंदिर। ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए विदेशों से अंग्रेज भी आते हैं, लेकिन उन्हें इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस मंदिर में वो ही जा सकता है जो हिंदू है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी जो एक समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उन्हें भी जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाने दिया था क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की थी। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान है। भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है वो लकड़ी की है और ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दिल है। दोस्तों ये मंदिर समुद्र के किनारे हैं और आप तो जानते ही हैं कि समुद्र के किनारे पानी का बहुत ज्यादा शोर होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात ये है कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर कदम रखते ही सारी की सारा शोर, सारी की सारी अजीब गंध कहाँ गायब हो जाती है ये कोई भी नहीं जानता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में, झंडे में, वातावरण में कई दैविक रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में अपार खजाना छुपा हुआ है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों हिंदू धर्म में चार धाम के जिक्र हैं जो चारों दिशाओं में बसे हैं
उत्तर दिशा में है बद्रीनाथ धाम, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशा में है द्वारिका और पूर्व दिशा में है जगन्नाथपुरी। ऐसी मान्यता है कि इन चारों धाम में भगवान का साक्षात वास है और इसके दर्शन से जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और मुक्ति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने आप में कई दैविक शक्तियां छुपाए हुए हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को महसूस करता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद आज तक इन रहस्यों से पर्दाफाश नहीं हो पाया है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी भी है। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है ये, जिसमें भगवान के साथ उनके भाई बहन को पूजा जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जितने साक्षात हैं उतने ही रहस्यमय भी है। चारों धामों में से जगन्नाथपुरी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जीवित अवस्था में मौजूद है और हर 12 साल बाद नौ क्लीवर के उत्सव पर नीम की लकड़ी से बना इसका आवरण बदला जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस आवरण के अंदर भगवान किस आवरण में रहते हैं यह अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, इस मंदिर की वार्षिक आय करीब 50 करोड़ है और मंदिर की संपत्ति कुल 250 करोड़ बताई जाती है, लेकिन जितना दिखता है ये उससे भी बहुत ज्यादा है। मंदिर में छिपा खजाना इससे भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ऐसी धारणा है कि मंदिर जितनी ऊंचाई पर है उतना ही गहरा है। मंदिर का खजाना जिसमें रुपया नहीं बल्कि रतन जवरात है। आपको बता दें कि ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश पर रतन भंडार में 4 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्य की टीम ने 34 सालों बाद यहां जांच के लिए आई थी। इस घटना में 2 महीने बाद चाबी के गायब होने की बात सामने आई। 4 अप्रैल को खजाना देखकर लौटी टीम ने रतन भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वो इस रतन भंडार से जुड़ी बातें किसी को भी नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती की जांच करना है। इस दौरान उन्हें खजाने की संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के खजाने को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जाती हैं क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथ मंदिर के नजदीक एक मठ में एक मजदूर एक चांदी की ईंट चुराकर ले गया था और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधी आ गई। जांच में जब मठ के कमरे को खोला गया तो उसमें 100 करोड़ से भी अधिक कीमत की चांदी की ईंटें मिले। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जगन्नाथ मंदिर की चाबी का गुम होना कौन से नए रहस्य को सामने लाता है। दोस्तों, आमतौर पर दिन में हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी यहाँ की प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा का होता है झंडा ठीक उसके विपरीत दिशा में लहराता है। दोस्तों, विज्ञान के इस नियम को तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जहाँ से रोशनी आएगी और उसके सामने आने वाली वस्तु की छाया बनेगी, छोटी या बड़ी लेकिन बनेगी जरूर। इस सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विज्ञान का ये नियम भी काम नहीं करता, क्योंकि दिन में किसी भी समय मंदिर की परछाई नहीं बनती या कहीं हमें दिखाई नहीं देती। दोस्तों, कहा जाता है कि जगन्नाथ में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य यह है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के बने होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसके दौरान सबसे ऊपर रखे गए बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे की तरफ रखे सारे बर्तन धीरे धीरे पकते चले जाते हैं। दोस्तों, चाहे यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आ जाए लेकिन मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपने आमतौर पर बड़ी बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर ना ही कभी कोई पक्षी बैठता है और ना ही इसके ऊपर से कभी कोई प्लेन गुजरता है, और भारत में किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा जाता। ये भी एक आज तक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपकी जगन्नाथ मंदिर के प्रति क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों हिंदू धर्म में चार युगों की मान्यता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का आरंभ होता है और अंत होता है, यही सृष्टि का नियम है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि इस तरह से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का अंत हुआ, लेकिन इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग का अंत कैसे होगा इस बारे में भी हमारे धर्म शास्त्रों में जानकारी मिलती है। जैसे जैसे आगे युग चलते जाते हैं वैसे वैसे इनमें पाप बढ़ता जाता है और सभी पापों को मिटाने के लिए देवता धरती पर अवतार लेते रहते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने हर युग में अधर्म को मिटाने और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार ली हैं। जिन्होंने नरसिंह अवतार लेके भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वहीं दुराचारी हिरण्यकश्यप का वध करके जगत का कल्याण किया। उन्होंने जहां राजा बलि से देवताओं की रक्षा की, वहीं वराह अवतार लेकर राक्षस का वध किया। उन्होंने राम बनकर जहाँ अत्याचारी रावण का संहार किया, वहीं उन्होंने कृष्ण बनकर कंस का वध करके धरती की रक्षा की। विज्ञान कहता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति 60 करोड़ वर्ष पहले हुई थी और महाद्वीपों का सरकना 20 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था, जिसमें 5 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। स्तनधारी जीवों का विकास 14 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों आधुनिक मानव 2 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, इसके बाद पिछले 50,000 सालों में मानव समस्त विश्व में जाकर बस गया। विज्ञान कहता है कि मानव ने जो भी प्रगति की है वह 200 से 400 पीढ़ियों के दौरान में हुई है। इससे पूर्व मानव पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्षों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देह का त्याग कर दिया था, तभी से कलयुग का आरंभ होता है। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के देह छोड़ने के 3102 ईसा पूर्व के बाद कलयुग आरंभ हुआ था। दोस्तों हमारे पुराणों में कलयुग के बारे में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पाप अपने चरम तक बढ़ता जाएगा। दोस्तों कलयुग के अंत को लेकर कई भविष्यवाणियां की जा चुकी है। कलयुग में कई ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनमें भविष्य बताने की अद्भुत क्षमता है। इन्हीं में से एक थे अच्युतानंद दास। ये एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने एक ऐसी रहस्यमय किताब लिखी जिसका नाम था भविष्य मालिका। इस पुस्तक में अच्युतानंद दास जी ने वो सारी घटनाओं का वर्णन किया है जो तब घटित होंगी जब कलयुग का अंत बहुत ज्यादा निकट होगा। उन्होंने भविष्य मालिका में तीर्थ स्थानों का भी वर्णन किया है जिसमें समय आने पर कलयुग के अंत के संकेत मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उन तीर्थ स्थानों के बारे में बताऊंगा जिनका वर्णन भविष्य मालिका में किया गया है और उनमें से कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स, जहां हम आपको ऐसे रहस्यमय फैक्ट से परिचित कराते हैं जिन्हें दुनिया भर में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जगन्नाथ धाम। दोस्तों हिंदू धर्म दुनिया का सभी धर्मों से सबसे रहस्यमय और प्राचीन है। हिंदू धर्म से ही सभी धर्मों की जन्म हुआ है। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें धरती, जल, वायु, अग्नि, वृक्ष, सूर्य, पहाड़, हर एक प्राकृतिक चीज की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई थी जिसमें इंद्र देवता का घमंड तोड़ा था। दोस्तों ऐसे ही हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से पुराने मंदिर हैं जो बहुत प्राचीन हैं और ये मंदिर इतने रहस्यमय हैं कि इनका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। वहाँ विज्ञान के नियम काम नहीं करते। दोस्तों मैंने इससे पहले आपको कई रहस्यमय मंदिर के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं जिस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसे धरती का दूसरा बैकुंठ भी कहते हैं। दोस्तों वो मंदिर है जगन्नाथ पुरी मंदिर। ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए विदेशों से अंग्रेज भी आते हैं, लेकिन उन्हें इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस मंदिर में वो ही जा सकता है जो हिंदू है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी जो एक समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उन्हें भी जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाने दिया था क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की थी। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान है। भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है वो लकड़ी की है और ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दिल है। दोस्तों ये मंदिर समुद्र के किनारे हैं और आप तो जानते ही हैं कि समुद्र के किनारे पानी का बहुत ज्यादा शोर होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात ये है कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर कदम रखते ही सारी की सारा शोर, सारी की सारी अजीब गंध कहाँ गायब हो जाती है ये कोई भी नहीं जानता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में, झंडे में, वातावरण में कई दैविक रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में अपार खजाना छुपा हुआ है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों हिंदू धर्म में चार धाम के जिक्र हैं जो चारों दिशाओं में बसे हैं
उत्तर दिशा में है बद्रीनाथ धाम, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशा में है द्वारिका और पूर्व दिशा में है जगन्नाथपुरी। ऐसी मान्यता है कि इन चारों धाम में भगवान का साक्षात वास है और इसके दर्शन से जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और मुक्ति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने आप में कई दैविक शक्तियां छुपाए हुए हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को महसूस करता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद आज तक इन रहस्यों से पर्दाफाश नहीं हो पाया है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी भी है। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है ये, जिसमें भगवान के साथ उनके भाई बहन को पूजा जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जितने साक्षात हैं उतने ही रहस्यमय भी है। चारों धामों में से जगन्नाथपुरी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जीवित अवस्था में मौजूद है और हर 12 साल बाद नोकलीवर के उत्सव पर नीम की लकड़ी से बना इसका आवरण बदला जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस आवरण के अंदर भगवान किस आवरण में रहते हैं यह अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, इस मंदिर की वार्षिक आय करीब 50 करोड़ है और मंदिर की संपत्ति कुल 250 करोड़ बताई जाती है, लेकिन जितना दिखता है ये उससे भी बहुत ज्यादा है। मंदिर में छिपा खजाना इससे भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ऐसी धारणा है कि मंदिर जितनी ऊंचाई पर है उतना ही गहरा है। मंदिर का खजाना जिसमें रुपया नहीं बल्कि रतन जवरात है। आपको बता दें कि ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश पर रतन भंडार में 4 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्य की टीम ने 34 सालों बाद यहां जांच के लिए आई थी। इस घटना में 2 महीने बाद चाबी के गायब होने की बात सामने आई। 4 अप्रैल को खजाना देखकर लौटी टीम ने रतन भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वो इस रतन भंडार से जुड़ी बातें किसी को भी नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती की जांच करना है। इस दौरान उन्हें खजाने की संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के खजाने को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जाती हैं क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथ मंदिर के नजदीक एक मठ में एक मजदूर एक चांदी की ईंट चुराकर ले गया था और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधी आ गई। जांच में जब मठ के कमरे को खोला गया तो उसमें 100 करोड़ से भी अधिक कीमत की चांदी की ईंटें मिली। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जगन्नाथ मंदिर की चाबी का गुम होना कौन से नए रहस्य को सामने लाता है। दोस्तों, आमतौर पर दिन में हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी यहाँ की प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा का होता है झंडा ठीक उसके विपरीत दिशा में लहराता है। दोस्तों, विज्ञान के इस नियम को तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जहाँ से रोशनी आएगी और उसके सामने आने वाली वस्तु की छाया बनेगी, छोटी या बड़ी लेकिन बनेगी जरूर। इस सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विज्ञान का ये नियम भी काम नहीं करता क्योंकि दिन में किसी भी समय मंदिर की परछाई नहीं बनती या कहीं हमें दिखाई नहीं देती। दोस्तों, कहा जाता है कि जगन्नाथ में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य यह है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के बने होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसके दौरान सबसे ऊपर रखे गए बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे की तरफ रखे सारे बर्तन धीरे धीरे पकते चले जाते हैं। दोस्तों, चाहे यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आ जाए लेकिन मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपने आमतौर पर बड़ी बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर ना ही कभी कोई पक्षी बैठता है और ना ही इसके ऊपर से कभी कोई प्लेन गुजरता है और भारत में किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा जाता। ये भी एक आज तक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपकी जगन्नाथ मंदिर के प्रति क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।